मंच पर मंचा सेन परम आदरणीय सम्मानी चाचा श्री देवेंद्र तिवारी जी, उन सभी आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। और परम आदरणीय सम्मानी हमारे दादा श्री लालचंद दीक्षित जी और परम आदरणीय हमारे लालमन चंचल जी, आप सभी दादाओं से आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ और आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ मंच पर मंचा सेन दादा गुरुवर श्री राज कमल कुरुपीची जी से। और आशीर्वाद की श्रृंखला में परम आदरणीय सम्मानी स्वर्गीय पिता श्री ऋषि विशैला जी से, हेलो, आप जहां भी हैं मुझे आशीर्वाद दें। और आज इस पूर्ण श्रद्धांजलि में मैं भी कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ। हेलो हेलो हेलो, कहते हैं कि शरीर से शरीर तो चला जाता है लेकिन ये हृदय, ये मन सबके हृदय में रहता है, तो इसलिए कहना पड़ा। हो कि दुनिया में आते तो बहुत लोग हैं लेकिन कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। Yeah.
पंडित श्री मैयादीन तिवारी जी, आप जहाँ भी हैं, हम बच्चों पे ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ये सौभाग्य है कि आपसे आपके दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन जितना आपको जाना है, सुना है, उतना ही बहुत है। और हमारे और आपकी मूर्ति हमारे परम आदरणीय समानी बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष जी आपके रूप में साक्षात यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आइए कुछ श्रद्धा सुमन आपको अर्पित कर रही हूँ, जो भी टूटा फूटा है। आइए, फिल्मी टुकड़ा कह रहा है क्या? अपना कोई तराना हमें याद आए।
सासुरी लाल मन चंचल जी की ओर से है, कोट कोट नमन कर रही हूँ। एक बार पेट में भी मारो बेटा, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ और जोर से। और एक और बहुमूल्य आशीर्वाद हमारे परम आदरणीय सम्मानी चाचा श्री देवेंद्र तिवारी जी की ओर से आया है, कोट कोट नमन कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ आपसे। कहना पड़ा क्या क्या है भारत अखंड, ये पूरा रोशन किया है आपने। तो है आपकी कला से बुंदेलखंड रोशन, बुंदेलखंड छोड़ो भारत अखंड रोशन। और ये उत्तर प्रदेश कीर्तन उत्थान समिति के प्रतिनिधि हमारे भैया श्री, जो कि बड़े ही अच्छे कीर्तनकार हैं, सम्मानी भैया श्री नीलेश ज्वाला जी लखनऊ उत्तर प्रदेश, आपकी ओर से ये 51 पद मुद्राएं प्रदत्त हैं, कोटि कोटि नमन कर रही हूँ। और ये हमारे चटकीली चाय सम्मानी भैया श्री हीरा सिंह राजा गढ़ा, आपकी ओर से ये 51 पद मुद्राएं प्रदत्त है, कोटि कोटि नमन कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ आपसे। तो है बुंदेलखंड छोड़ो भारत अखंड रोशन। और कोई का कला से, कोई काव्य की कला से कीर्तन सुमन खिलाए। केवल यहाँ नहीं, कहीं भी कीर्तन होता है तब ऐसे गुड़ी जनों का नाम आ जाता है। कोई का कला से कीर्तन सुमन खिलाए, तो दादा श्री हमें कि यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय और बड़े बड़े कीर्तनकार उपस्थित हैं, मंच पर मंचासीन है, तमाम लोग दूर दराज से यहाँ पर आए हैं इस पूर्ण स्मृति में। तो कहना पड़ा क्या श्रद्धांजलि
आराम से बेटे। श्रद्धांजलि सभा में सभी लोग उपस्थित हैं। ऐसे थोड़े ना। श्रद्धांजलि सभा से लग रहा है कि कुंभ पावन लगा हुआ है। श्रद्धांजलि सभा में कीर्तन का कुंभ पावन तो देवेंद्र अशोक सजाते यह धाम अति है बस करो और ये